आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज बात करेंगे बोटनी का एक चैप्टर है जो प्लांट न्यूट्रिएशन यानी पौधे में पोषण, पौधे में पोषण, ठीक है। पौधे में पोषण ये चैप्टर का नाम है, पौधे में पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिएशन जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएशन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है स्वपोषी, क्या होता है स्वपोषी, स्वपोषी। दूसरा होता है परपोषी, क्या होता है परपोषी, क्या होता है परपोषी, परपोषी। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग आज जनरली बात करने वाले हैं स्वपोषी पौधे के बारे में, स्वपोषी पौधे में न्यूट्रिएशन जो होता है, भोजन जो होता है कैसे बनता है, भोजन कैसे बनता है। देखिए स्वपोषी जो पौधे होते हैं, स्वपोषी जो पौधे होते हैं उसमें भोजन का निर्माण जो होता है एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। स्वपोषी पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इसकी ही बात करने वाले हैं। फोटो मतलब क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, यानी प्रकाश का संश्लेषण करना। पौधे जो होते हैं प्रकाश का संश्लेषण करके वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो क्या करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो क्या करते हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट के रूप में उत्पादन करते हैं। फिर से हम एक बार ये कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मेरा बोर्ड जो है बहुत छोटा है लेकिन ये तो फिर लिखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट उत्पादन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। एक्चुअली ये जो पार्ट जो है मैंने चैप्टर जो है मैंने छोड़ के आगे गया था, यानी चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया था, प्लांट मोर्फोलॉजी मैंने पढ़ाया था, तो फोटोसिंथेसिस मैंने छोड़ के आगे चला गया था। मैंने कहा भी था, मैं अपने वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि मैं एक फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग सा चैप्टर अलग सा वीडियो में बना दूंगा जो आपको सहूलियत होगा ज्यादा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहले फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला जो होता है CO2 + H2O, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है C6H12O6 + O2 + H2O, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है 0.03%, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे जो है कहां से लेते हैं, एनवायरमेंट से ले लेते हैं, और ये जो है जल, ये क्या है H2O है, H2O को हम लोग क्या कहते हैं जल कहते हैं,
तो जल आपको तो पता ही है ये क्या होता है, जल जो होता है अवशोषण होता है। किसके द्वारा अवशोषण होता है? ये जल जो है जड़ के द्वारा अवशोषण होता है। किसके द्वारा अवशोषण होता है? जल के द्वारा। वो मिट्टी से क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज यानी शुगर, शुगर या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और क्या होता है, जल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा संतुलित कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। पहले तो ये जान गए CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज यानी शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। जब इसको संतुलित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, क्या हो जाएगा, 12H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6H6CO2 12H2O, और इधर क्या हो जाएगा आपका जो होगा 6O2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6O2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा, 6H2O। इसको हम लोग क्या किए, ग्रीन कलर से मैंने लिखा, ये इसको संतुलित कर दिया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, पत्तों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है जो पौधे के ताप का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक एलिमेंट पाया जाता है, धातु पाया जाता है जो पौधों को ताप का अवशोषण करता है और पेड़ पौधों को झुलसने से बचाता है, झुलसने से क्या करता है, बचाता है। यानी जब हम बात करते हैं कि पत्ते जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम जो होता है ताप को नियंत्रित करता है, पौधे में क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है और पत्तों को झुलसने से बचाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एसेंशियल मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से चीज जो होता है जरूरी होता है, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिए, आगे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज जो होता है वो आपका क्या होता है, हम यहां पे टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है, एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पदार्थों की जरूरी होता है, तो पहला चीज जो होता है वो क्या होता है, आपका लाइट होता है। पहला क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश, पहला जो होता है लाइट, प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के कौन कौन से काम है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है सिर्फ क्या होता है, दृश्य प्रकाश में होता है। दृश्य प्रकाश को आप समझते हैं क्या होता है, दृश्य प्रकाश जो होता है वेव ज्योर, क्या होता है, वेव ज्योर, क्या होता है, वेव ज्योर, वेव ज्योर, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बै नी आ ह पी न ला, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है सिर्फ क्या होता है, भेजियोर यानी दृश्य प्रकाश में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है किसमें होता है, लाल में होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, लाल में। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल में, सबसे ज्यादा कौन से, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा कौन से प्रकाश में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में होता है, कौन से होता है, लाल रंग के। और सबसे कम जो होता है किसमें होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश में, बैंगनी रंग के प्रकाश में जो होता है सबसे कम होता है। इसका रेट जो होता है वो क्या होता है, दर जो होता है घट जाता है, प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में क्या होता है, घट जाता है।
और लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बिहेवियर की जब बात करेंगे, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, तो वहां पे बिहेवियर वैनिया पिनाला के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है सबसे ज्यादा कौन से प्रकाश में होता है, लाल रंग में होता है, सबसे कम जो होता है बैंगनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नेक्स्ट आगे हम जारी रखेंगे। चलिए, दूसरा जो जरूरी चीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो होता है CO2। क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। दूसरा एसेंशियल चीज जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है प्राकृतिक में कितना है आपको, 0.03% 0.03% है। अब देखिए, ये शर्करा और शर्करा का मतलब जब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी शुगर का निर्माण होता है, तब ये शुगर का संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। किसकी आवश्यकता पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, शर्करा का संश्लेषण करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा का संश्लेषण करने के लिए कौन से गैस का आवश्यकता पड़ता है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे लिख देते हैं शर्करा का संश्लेषण करने में कौन से गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। अब आगे तीसरा जो एसेंशियल चीज जो है, तीसरा जो है, हम लोग बात करेंगे वाटर की बात करेंगे किसकी बात करेंगे तीसरा यानी वाटर वाटर यानी जल की बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं जल की। इसका फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है जल का H2O होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है वो जल का होता है। अब देखिए, ये पौधे जो होते हैं जल कहां से लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। कहां से लेते हैं? जड़ों से। अब जड़ों में जड़ जो होता है किस क्रिया द्वारा, यानी पराशरण द्वारा, जड़ जो है पराशरण प्रक्रिया द्वारा ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करता है। पराशरण द्वारा ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जल जो है पौधों में किसके द्वारा, कौन से किसके द्वारा ये क्या होता है, विभिन्न पार्ट्स में पहुंचता है, तो जल पौधे में जाइलम के द्वारा जल जो होता है चारों तरफ पहुंचता है। तो यहां से आपको पूछता है क्वेश्चन कि जड़ों में कौन से प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो पराशरण द्वारा। पूछता है कि जल जो है किसके द्वारा विभिन्न पार्ट्स में भेजा जाता है, तो जाइलम के द्वारा। यहां से क्लियर, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, अब जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होता है तो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, जल की उपस्थिति में अगर जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है, तो जल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और CO2 को ऑक्सीकृत। पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं?
ऑक्सीकृत कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर जो है हम लोग बात करेंगे, आपको चौथा नंबर जो है वो क्या है, पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ये देखिए, क्लोरोफिल जो होता है यहां प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यह सिर्फ हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह सिर्फ किस में पाया जाता है? हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसको कहते हैं। और ये पर्णहरित जो होता है प्रकाश संश्लेषण हरा होने के कारण है, यानी क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण पौधे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पर्णहरित नहीं होता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, और वो कौन से पौधे कहलाते हैं? परपोषी, यानी दूसरे पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पत्तियों का हरा रंग जो होता है, हरा रंग जो होता है पर्णहरित के कारण होता है, और लाल हरा रंग जो होता है, पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। और पत्तियों में जो रंग बिरंग का जो कलरफुल पत्तियां, यानी डेकोरेटिव प्लांट की हम बात करते हैं, डेकोरेटिव प्लांट जो होता है उसकी पत्तियां जो होता है रंग बिरंग का होता है, तो वो किसके कारण होता है? लाल पीला और एक और कलर जो होता है आपको बात करते हैं नारंगी। लाल पीला और नारंगी कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू किसके कारण? कैरोटीनाइड के कारण होता है। कैरोटीनाइड के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग जो होता है लाल पीला और नारंगी कलर का होता है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम आपको इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो कौन से क्रिया होता है, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया होता है, यानी उपचयन की क्रिया होता है। इसमें दोनों क्रिया होता है, उपचयन और अपचयन की क्रिया होता है। जब अपचयन और उपचयन की क्रिया जब होता है तो क्या बनाता है? रिडॉक्स क्रिया करता है, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का चर्चा आगे हम लोग जारी रखेंगे और बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है ये क्या होता है, उपचयन और अपचयन की क्रिया होता है। क्या होता है? उपचयन और अपचयन की क्रिया होता है। ये दोनों क्या होता है? उपचयन और अपचयन, अपचयन की क्रिया होता है, उपचयन और अपचयन की क्रिया होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। ये उपचयन की क्रिया में जल से क्या करते हैं, जल का उपचयन करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपचयन की प्रक्रिया कर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन जो होता है हम लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। और अपचयन की क्रिया में क्या करते हैं, उपचयन में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, यानी O2 का निर्माण करते हैं। और अपचयन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शर्करा का। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपचयन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है अपचयन क्रिया में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। और अपचयन में क्या बनता है, शर्करा बनता है। क्या बनता है? अपचयन में आपको ऑक्सीजन बनता है, और उपचयन में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और अपचयन में क्या बनता है, शर्करा बनता है। इस क्रिया, ये क्रिया जो होता है दो प्रकार का होता है। ये क्रिया जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है, ठीक है। ये पहला क्रिया जो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं, पहला जो होता है क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया। पहला जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है।
पहला जो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। यह क्रिया जो होता है क्लोरोफिल के किसमें होता है? ग्रेना। सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के किसमें होता है? ग्रेना। प्रकाश रासायनिक क्रिया किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है ग्रेना में होता है। किसमें होता है? ग्रेना में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन, इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ग्रेना को, ग्रेना प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है ग्रेना में होता है, क्लोरोफिल की ग्रेना में होता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह जल को अपघटित करता है। जल को अपघटित करके यह क्या करता है? जल के अपघटित करके हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। यह क्या करता है कि जल को अपघटित करके, जल को अपघटित अपघटित कर, जल को अपघटित कर ये क्या बनाता है? जल को अपघटित करके हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये क्या करता है? जल को अपघटित करता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या होता है, जल का अपघटन में ऊर्जा, जल के अपघटन यानी जल के अपघटन करने में ऊर्जा की आवश्यकता होगा। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता जो है कहां से करता है? सनलाइट से करता है। किससे करता है? सनलाइट से करता है। ठीक है, आगे हम लोग एक और इसका जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, एक और पार्ट है इसका, उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे इसमें चर्चा। प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंत में क्या होता है? एटीपी यानी ऊर्जा। एटीपी यानी ऊर्जा, ये क्या करता है अंत में? क्या करता है? एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करता है। और अंत में क्या करता है? अंत में एनएडीपीएच। ठीक है।